जिला अस्पताल विक्टोरिया में मरीजों के इलाज के लिए पर्ची बनवाने के लिए एक ही काउंटर में पर्ची बनाने को लेकर मरीज परेशान हो रहे हैं। पर्ची बनवाने वाले व्यक्ति से आयुष्मान कार्ड और डॉक्यूमेंट के नाम पर अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं और मरीज के परिजनों को जो है घंटों लाइन पर लगे रहना पड़ता है, जिसके कारण मरीज के परिजन परेशान, पहले पर्ची बनवाएं या इलाज करवाएं, आरोप सामाजिक कार्यकर्ता होने लगाए हैं। और बताया कि जिला अस्पताल विक्टोरिया में अव्यवस्थाओं का आलम, यहाँ पर आने वाले मरीजों के परिजनों को पर्ची बनवाने के नाम पर जो है सीनियर सिटीजन से 10 रुपये की राशि ली जाती है, जबकि पूरा निःशुल्क है और उनसे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स के नाम पर अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है, इधर से उधर भटकाया जा रहा है। मरीज के परिजन घंटों लाइन में खड़े होकर परेशान होते हैं, तब जाकर उनकी पर्ची बनती है और वह इलाज के लिए डॉक्टर के पास जा पाते हैं। जिला अस्पताल विक्टोरिया में चारों तरफ जो है अव्यवस्था, बिजली के तार खुले पड़े हैं और कूलर आंखें खुले आम चल रहे हैं और कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं है, ऐसे में किसी भी प्रकार की अनहोनी होने की आशंका बढ़ जाती है, लेकिन जिला अस्पताल में इसकी देखरेख करने वाला कोई जिम्मेदार अधिकारी सामने नहीं आता। इस मामले में सामाजिक कार्यकर्ता बात करने जाते हैं तो जिम्मेदार अधिकारी द्वारा अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है। मैं जिला अस्पताल विक्टोरिया में खड़ा हूँ, यहाँ पे मैंने ये देखा कि जो पर्ची बनाते हैं, चूँकि निःशुल्क होना चाहिए, 60 साल के ऊपर वालों की पर्ची लगती नहीं है, उनका नेचर इतना गंदा है, पर्ची बनाते नहीं, आधार कार्ड ले आओ, आयुष्मान कार्ड ले आओ, ये ले आओ, वो ले आओ, जबकि 10 रुपये लेते हैं वो, और 10 रुपये लेने का भी काम निःशुल्क बनती है पर्ची, निःशुल्क। जिला अस्पताल का क्या मतलब है, ना कोई अधिकारी देखने आता, ना अधिकारी के पास जाते हैं, तो मरीज लोग तो उनको डांट के भगा दिया जाता है, जाओ आप वहाँ उतने नंबर में जाओ, इतने नंबर में जाओ, ये उनका हाल है। यहाँ जो लोग आते हैं पर्ची बनवाने के लिए, तो क्या नियम है, क्या डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, अगर उनके पास नहीं रहते तो अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं? अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, उनको बोलते हैं ये लागू तभी बनेगी, अरे ऐसा कुछ नहीं है, है? ले के आओ, जबकि उनके पास आधार कार्ड है, पर्चा पत्र, नहीं नहीं आयुष्मान कार्ड ले आओ, ये ले आओ, मतलब कुछ भी, और 10 रुपये तो ले ही लेते हैं वो, 10 रुपये तो ले ही लेते हैं ना, उनको 60 साल के ऊपर, मतलब जो नागरिक सीनियर सिटीजन नागरिक, उसके भी कोई सुनवाई नहीं है, वो 10 बार उनको बोले का भगा देते हैं वो, और इतने तरीके से बदतमीजी करते हैं, कुछ मत बोलो। ये जो पर्ची बनाने के लिए पहले काउंटर बनाए गए थे अलग अलग, अब एक ही काउंटर में कर दिया गया, इतनी भीड़ लगती है, लोग परेशान होते हैं, जबकि वो काउंटर दो होना चाहिए, दो काउंटरों पे अलग अलग होना चाहिए, जिसमें जितने भी बीमार लोग हैं उनको सुविधा मिले। तो यहाँ गरीब तत्व के लोग आते हैं और ऐसे देखा गया है, आप ही बता रहे थे, देखा गया कि गरीबों के साथ किस तरीके का अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं पर्ची बनाने वाले, गंदा व्यवहार करते हैं, कुछ मत पूछिए, गाली के सिवा बात ही नहीं करते हैं, यहाँ कोई अधिकारी देखने वाला नहीं है, और यहाँ तो सब गरीब आदमी है, तो कोई लखपति तो आता नहीं है, बड़े आदमी तो कोई आते नहीं, गरीब लोग आते हैं सब, उनको बोला इधर जाओ, बोले 2 नंबर में जाओ, 44 नंबर में जाओ, 14 नंबर, इधर उधर भटकाते हैं, जबकि पर्ची के लिए हमेशा 2 काउंटर बनाया जाए, 1 काउंटर से काम नहीं होगा। कई बार इमरजेंसी केस में ही पर्ची बनाने को लेकर विवाद होता और उसमें मरीज की हालत खराब हो जाती है, और पहले पर्ची बनाना चाहिए, फिर बाद में उनको बोलना चाहिए कि तो क्या जरूरी डॉक्यूमेंट्स जरूरी है कि पर्ची बनाने के लिए? डॉक्यूमेंट कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी डॉक्यूमेंट नहीं, आप पर्ची बनाने के 2 रुपये काहे के लिए ले रहे हैं, काहे के लिए ले रहे हैं 2 रुपये पर्ची बनाने के लिए? जब एक काउंटर पर 50 से ज़्यादा व्यक्तियों की लाइन ठसाठस लगेगी, तो क्या उस मरीज की या पर्ची बनवाने वाले की क्या हालत होगी, क्या बता? हालत होती है, आदमी बेहोश गिरा पड़ा रहता है, कोई देखने वाला सुनने वाला नहीं, इसलिए हमेशा 2 काउंटर बना के रखिए, ताकि जितने भी पेशेंट हैं उनको तकलीफ ना हो। पर्ची बनाने वालों के साथ खूब अभद्र भाषा प्रयोग होता है, बहुत ज़्यादा अभद्र भाषा, अरे पर्ची बनाने वाले तो बोले वो डॉक्टर हैं चौधरी साहब, वो भी इस तरीके की अभद्र व्यवहार करते हैं। नाम बताइए। नरसिंह कनौजिया।